नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। पार्लियामेंट रिपोर्टर के साथ आज है बिहार के झंझारपुर से सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी जी। आज हम उनसे बात करेंगे उनके राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि और बतौर सांसद उनकी उपलब्धियों के बारे में। देखिए, हम एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और हमारे माता पिता सब कृषक थे, हम भी किसान ही थे। छात्र जेपी आंदोलन में, छात्र जीवन में से हम लोग 1974 में बीए पास कर 1974 में जेपी आंदोलन के विरोध में गए थे। तो 76-77 से हम लोग जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए और जेपी आंदोलन से ही जो राजनीतिक शुरू किए, आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। राजनीतिक जीवन में पहले हम प्रखंड अध्यक्ष थे, उसके बाद भी सूत्री के सदस्य थे प्रखंड के, फिर 14 साल समता पार्टी जनता दल यू के जिला अध्यक्ष रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में हम लोग राजनीति किए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्श और विचारों पर चलने का काम किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनकर के लोकसभा पहुंचे हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का आभारी हूँ, जनता का आभारी हूँ, मतदाता का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने लायक चुना और इस लोकतंत्र की महापर्व और लोकतंत्र के महामंदिर में मुझे बैठने का जगह मिला, इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और वो कौन से महापुरुष थे जो आपके आदर्श थे विद्यार्थी जीवन में? छात्र जीवन से ही हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के गुणगानों, उनके रास्ते पर चलने का जो उनका जो विचार था, उनका जो गरीब उन्मूलन था, उनका जो स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग थे उसके उत्थान के लिए, मैं छात्र जीवन से ही अपने परिवार में यदि कोई किसी तरह का बात होता था, किसी को कष्ट देते, तो छात्र जीवन से ही हम उसके सहायता करते रहे हैं और यही कारण है आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, बतौर सांसद आपने अपने क्षेत्र में क्या किया है, मतलब अपनी उपलब्धियों में थोड़ा सा? सीमांचल इलाका के लिए, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर इलाका है, समुचा क्षेत्र में, उस क्षेत्र में 3 बहुत महत्वपूर्ण काम थे, NH-104, NH-105 और छोटी सकरी निर्मल्ली झंझारपुर लौखा, छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाना था, जो 1998 से अभी तक छोटी लाइन से बड़ी लाइन गताल खाते में फेंके हुए थे। और रक्षा मंत्रालय से पैसा स्वीकृत की गई थी लेकिन रक्षा मंत्रालय पैसा नहीं दे रहा था, जिसके चलते काम बाधित था। 2015 में हमने रेल मंत्री से मिलकर उनके पदाधिकारियों से कमेटी बैठक बुला करके उस काम को आज मुहूर्त रूप दे दिए हैं। लगता है 6 महीना के अंदर में वो बड़ी लाइन शुरू हो जाएगी। हमारे झंझारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनता, जिसका वर्षों से अरमान था, एक तरह से अरमान ही कहिए, जो हम बड़ी लाइन पर में चलेंगे, झंझारपुर में बैठेंगे तो दिल्ली बम्बई उतरेंगे, उसका सपना साकार मार्च में हो ही जाएगा। NH-104 जो 35 वर्ष से लंबित थी, NH-104 जिसका मैंने आदरणीय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से एक बार नहीं दर्जनों बार मिल करके उस रोड को स्वीकृत तो था ही, पैसा दिला करके आज 50% वर्क NH-104 में हो गया है, NH-105 में 60-70% वर्क हो गया है। 6 महीना 1 साल के अंदर में ये दोनों काम समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना का सैकड़ों रोड का हमने शिलान्यास उद्घाटन किया है, सैकड़ों रोड बन चुका है। अपने संसदीय ऐच्छिक कोष से लगभग सैकड़ों योजना, जिसमें सड़क है, घाट है, सामुदायिक भवन है, क्या कहते हैं, जिम है, पुस्तकालय में पुस्तक देना है, चापाकल है, इस तरह के सैकड़ों योजना जिसे हमने अभी तक निष्पादित कर चुके हैं। केंद्र सरकार की वो कौन सी मतलब नीतियाँ है, कौन सी वो पॉलिसीज है जिनका फायदा खास तौर पे आपके क्षेत्र को मिला है? देखिए, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जो नीति है, एक तो जनधन योजना के माध्यम से जितने गरीब गुड़वा लोग थे, जो आज तक कभी बैंक में खाता खुलाना सोच भी नहीं सकता था, वैसे आदमी को बैंक में खाता खुल गया है। बैंक में खाता खुलने से उसे 2 प्रकार की लाभ मिला है, एक तो इंश्योरेंस हो गया है, दूसरा लाभ मिला है जो गरीब गुड़वा के बेटे जो बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, खटाने के लिए, जब घर लौटता था तो 25-50 हज़ार रुपया उसके साथ में होता था और गांव के जो लफंगे लोग होते थे वो समझ गया कि लड़का कमा करके आया है, तो उसके घर में चोरी और डकैती हो जाती थी, उसका पैसा सब कमाया हुआ पानी में चला जाता था।
उसको सुरक्षित कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने, इस सबसे बड़ा उपलब्धि है। दूसरी बात है जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि पर में ही 80% लोग निर्भर करते हैं। हम जिस जगह से आते हैं वहाँ तो 100% लोग खेती पर में ही निर्भर करते हैं। बिहार ही, संपूर्ण बिहार खेती पर में ही निर्भर करते हैं। कोई कल कारखाना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई किसी तरह का बहुत बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। ऐसे स्थिति में खेती को सुचारू रूप से चलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है साल दो साल में दिखाई देंगे। उसका योजना चल रहा है, योजनाबद्ध कार्यक्रम हो रहा है, कई राज्यों में तो काम शुरू भी हो गया है, लेकिन बिहार में हम लोगों की सरकार थोड़ा दूसरे टाइप का था, महागठबंधन की सरकार, अब सरकार फिर बनी है, जिससे पूरा उम्मीद है, भरोसा है, जो जितना जल्दी हो भारत सरकार से तालमेल बैठा करके काम करेंगे तो बहुत जल्दी कृषि सिंचाई योजना जो है वो भी बिहार में लागू हो जाएगा। यदि किसी कृषि सिंचाई योजना बिहार में लागू हो गया तो समझिए बिहार, हरियाणा और पंजाब को भी खेती के मामले में फेल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर इतने मेहनत कस हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर के दूसरे राज्य को धनी बना दिया है, लेकिन पूंजी के अभाव में, बिजली के अभाव में, इंडस्ट्री के अभाव में हम गरीब के गरीब ही रह गए हैं। अब भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है, जब NH 57 जो बना है, और जन क्या कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन है, वाजपेयी जी ने NH 57 बना करके आज मिथिलांचल के इलाके को, सीमांचल के इलाके को स्वर्ग बना दिया है, और लगता है जो अब उद्योग धंधे भी लगेंगे उस सारे जगहों में। और बिजली की सबसे बड़ी कमी थी, मैं धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जिस दिन शपथ लिया और शपथ लेने के बाद जो प्रथम दिन संसद भवन में गए, मंदिर में गए, उन्होंने कहा था जिस तरह से गुजरात में 24 घंटा में 24 सेकंड बिजली नहीं कटती है, चार साल के अंदर में, यानी 2018 तक में हिंदुस्तान के किसी गांव और किसी घर में बिजली बगैर नहीं रहेगा, बड़ा उज्ज्वला हो जाएगा और प्रकाशमय हिंदुस्तान है। बिजली से कल कारखाना बनेगी, बिजली से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, बिजली से बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, इस सारा काम बिजली से ही होता है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 75-80% पूरा करने का काम किया है। बिहार में क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है बिहार में? बिहार में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन की जो सरकार थी, जब गठबंधन की सरकार बनी उसी समय हम लोग कहते हैं ये सरकार अधिक दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ लुटेरे हैं, एक तरफ साधु, एक तरफ ईमानदार हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार है। लालू यादव लुटेरे और भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार सहित उनका जितना कपड़ा है सब है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं है और स्वच्छ छवि वाले आदमी हैं, काम करना जानते हैं, बिहार को बहुत प्रगति किया भी है। अब चूंकि भारत में, यानी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, NDA की सरकार है, और बिहार में NDA की सरकार बनी है, निश्चित रूप से बिहार में प्रगति होगी। GST एक ऐसा चीज है जिससे देश के किसान, व्यवसायिक लोग सबको लाभ हुआ है, सबको लाभ मिलेगा, और GST से फायदा ही फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। खास करके जो ट्रेवल वाले लोग हैं, जो बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को तो बहुत बड़ी फायदा होगी। एक टैक्स भरने से समुचा देश भ्रमण कर लेता है, कर लेंगे, इस तरह की सुविधा GST से। 2019 को लेकर आपकी क्या तैयारियां? देखिए 2019 मोदी जी का जो सपना है, 2019 में सफलता मिलेगी। 2019 के लिए हम लोग जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की जिस किसी भी तरह की समस्या होती है, समस्या के निदान के लिए बिहार सरकार से हो या भारत सरकार से हो, लग करके उनकी समस्या के निदान के लिए, उनकी समस्या के हल के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। अपने क्षेत्र की जनता को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पार्लियामेंट रिपोर्टर के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम चूंकि समाज के अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और हिंदुस्तान में अति पिछड़ा वर्गों की बहुत बड़ी आबादी है, सभी सरकारों ने जात पात किया, लेकिन जात पात करने के बावजूद भी पिछड़ा में जो अति पिछड़ा है उसको दरकिनार करते रहे। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जो पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण ला करके
आज बिहार में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अति पिछड़ा वर्ग। और कल या परसों आप पेपर में देखे होइएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ने अति पिछड़ा आयोग गठन करने के लिए एक कमेटी गठन किया है। वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। इसके लिए मैं कोट कोट साधुवाद धन्यवाद जो और कुछ होना चाहिए सब प्रधानमंत्री जी को देते हैं। चूंकि अति पिछड़ा वर्ग पिछड़ा में अति पिछड़ा कहने से ही लगता है जो अति, तो अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उसका रहन सहन भी देखिएगा तो जिससे SC है ST है उस टाइप का है, गरीबी है, मजदूरी है, उसको दूर करने के लिए शिक्षा बहुत बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। और जब तक अति पिछड़ा वर्ग आयोग और अति पिछड़ा वर्ग के ऊपर में सरकार ध्यान नहीं देंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हर समय कहता है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास हम लोग आते हैं, सबका विकास होगा, यही हमें आशा। और सर अंत में पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए आपको मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो देश की जो अभी हालात है, जिस तरह से जनधन योजना के माध्यम से, उजाला योजना के माध्यम से, पेंशन योजना के माध्यम से, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो आज गरीबों तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है, यही है, इसको आप लोग आगे बढ़ाते रहें, यही आग्रह है। जो प्रधानमंत्री का जो सफलीभूत कार्यक्रम है उसका जो आगामी दूरदर्शी एक दृष्टि है उसको सफल बना रहे, उसके ऊपर मैं आपको जोर देते रहें, यही हमारा संदेश है। मैं लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदों की पहल को एकत्रित कर देश दुनिया के सामने लाने का काम पार्लियामेंट रिपोर्टर कर रहा है, इसके लिए मैं पूरी टीम को शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।